हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम पढ़ेंगे इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या होता है। ठीक है, एज नेम शोज इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स, मतलब स्ट्रेच रिफ्लेक्स का अपोजिट। ओके, तो बेसिकली होता क्या है, जब स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं हम, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जब होता है मसल का, तो इंजरी ना हो जाए इस वजह से देयर इज अ रिफ्लेक्स जो कि क्या करता है, इट इनहिबिट मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए जो कि मसल के लिए ठीक नहीं है, इट कैन टियर दैट मसल, मसल को टियर कर सकता है, तो इसीलिए इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स को बोलते हैं प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में स्ट्रेच रिफ्लेक्स पढ़ा था, जस्ट फॉर रिविजन, स्ट्रेच रिफ्लेक्स जब स्ट्रेच होती है मसल पे तो मसल स्पिंडल जो है वो सेंस करेगा उस स्ट्रेच को। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन 1A और टाइप 2 फाइबर कैरी करेंगे टू द मसल, टू द स्पाइनल कोर। ठीक है, ये एफरेंट साइनेप्स होंगे, इफरेंट नर्व एंडिंग जो कि अल्फा मोटर न्यूरॉन होते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट कराएगा एक्स्ट्राफ्यूजर फाइबर ऑफ मसल स्पिंडल। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेच रिफ्लेक्स। अब इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या होता है, ठीक है, जब सेम मसल, सेम मसल जब बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो यही मसल यहाँ पे क्या है, टेंडन, जो कि बोन से, बोनी अटैचमेंट से जो है मसल को अटैच करता है। ठीक है, ये हो गया बोन, तो ये हो गया टेंडन। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट भी बोलते हैं, सीरीज इलास्टिक कंपोनेंट। ये क्यों होता है, क्योंकि ये मसल फाइबर्स के सीरीज में होता है, मसल स्पिंडल जो मसल फाइबर्स के पैरेलल में होता है, बट टेंडन जो है मसल फाइबर के सीरीज में अटैच होता है। अब जब मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा तो ये जो टेंडन है ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएंगे। ठीक है, तो टेंडन जब बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाएंगे तो ये इंफॉर्मेशन, ओवर स्ट्रेचिंग की जो इंफॉर्मेशन है, ये कौन कैरी करेगा, ये कैरी करेंगे 1B फाइबर। ठीक है, 1A और 2 फाइबर ने ये इंफॉर्मेशन ली थी नॉर्मल मसल कॉन्ट्रैक्शन की, लेकिन जब ओवर स्ट्रेचिंग हो जाती है तो इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स में यहां स्टिमुलस क्या होगा, तो एक रिफ्लेक्स पाथवे फिर से ड्रॉ कर लेते हैं यहां, तो स्टिमुलस यहां पे क्या होगा, स्टिमुलस इज अ स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन है जो कि विच कैन बी इंजूरियस, जो कि मसल के लिए ठीक नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है कि टेंडन स्ट्रेच हो गया है। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को कौन लेके जाएगा, 1B फाइबर, 1B एफरेंट फाइबर, तो एफरेंट कौन हुआ, 1B फाइबर। ठीक है, तो ये जो एफरेंट फाइबर्स हैं, 1B फाइबर इस इंफॉर्मेशन को लेके जाएंगे। ठीक है, और सेम डोर्सल रूट में एंटर करेंगे। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये साइनेप्स करेंगे एक इंटर न्यूरोन पे। ठीक है, इंटर न्यूरोन, अब ये जो इंटर न्यूरोन है ये होगा इनहिबिटरी इंटर न्यूरोन, ये इंटर न्यूरोन साइनेप्स करेगा अल्फा मोटर न्यूरोन पे जो कि उसे इनहिबिट कर देगा। आर यू गेटिंग मी। अब जब भी मसल ओवर कॉन्ट्रैक्ट होगी या ओवर स्ट्रेच होगी तो ये टेंडन जो है ओवर स्ट्रेच हो जाएगा, जिसकी वजह से 1B फाइबर इस इंफॉर्मेशन को लेके जाएगा। ठीक है, एंड इट विल साइनेप्स ऑन इंटर न्यूरोन, इंटर न्यूरोन। ठीक है, इनहिबिटरी इंटर न्यूरोन है जो कि क्या करेगा, इट इनहिबिट अल्फा मोटर न्यूरोन। अल्फा मोटर न्यूरोन क्या कर रहा था, मसल कॉन्ट्रैक्शन, एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट करा रहा था, तो इनहिबिट हो गया है जो। ठीक है, तो अल्टीमेटली मसल कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीजेस, जिसे क्या बोलेंगे हम, रिलैक्सेशन। ठीक है, तो मसल रिलैक्सेशन अकर। ठीक है, ओके, तो दिस इज इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस विच कैन बी इंजूरियस टू मसल, जो मसल के लिए खतरनाक हो सकता है, उसे टियर कर सकता है, जब इतना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस आता है तो 1B फाइबर स्टिमुलेट होते हैं फ्रॉम टेंडन। ठीक है, तो यहां रिसेप्टर ऑर्गन क्या हुआ, गोल्जी टेंडन ऑर्गन, GTO, गोल्जी टेंडन ऑर्गन, ये रिसेप्टर है यहाँ पे, मसल स्पिंडल नहीं। ओके, तो गोल्जी टेंडन ऑर्गन इस इंफॉर्मेशन को 1B फाइबर से स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरोन पे साइनेप्स होगा, विच इनहिबिट द अल्फा मोटर न्यूरोन, अल्फा मोटर न्यूरोन की फायरिंग जो है वो कम हो जाएगी और अल्टीमेटली मसल कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगी, एंड रिजल्टेंट इज
मसल रिलैक्सेशन, तो मसल रिलैक्स हो जाएगी और मसल टियर नहीं होगा, इसीलिए इसे बोलते हैं प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। सो स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन लीड टू इनहिबिशन ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन और मसल रिलैक्सेशन, सो दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्ट्रेच रिफ्लेक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।